हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे कंटेनर साइज के बारे में। जैसे 20 फीट कंटेनर होता है, 40 फीट कंटेनर होता है, ठीक है, 40 फीट हाई क्यू कंटेनर होता है। तो कंटेनर की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे सेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कार्गो का या अपने अपने गुड्स का डायमेंशन देखना होता है। जब हम डायमेंशन देख लेते हैं कि हमारा कार्गो किस टाइप का है, किस टाइप के कंटेनर में आएगा, हम उसके बाद में अपने कंटेनर्स की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर ये रहेगा कि जो हमारी डिस्पैच प्लानिंग हम करते हैं, उसके बाद में हम अपने पैकिंग टीम से अपने कार्गो की स्पेसिफिकेशन डायमेंशंस लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक वेट लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कार्गो को लोड करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए क्या करते हैं, हमें एम्प्टी कंटेनर बुक करते हैं शिपिंग लाइन से, ठीक है। तो वो कंटेनर्स की साइज कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कैसा कंटेनर हमें बुक करना है, 20 फीट करना है या 40 फीट करना है, या 20 फीट स्टैंडर्ड करना है या 40 फीट स्टैंडर्ड करना है, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जो कंटेनर की स्पेसिफिकेशन होती है 20 फीट, 40 फीट एंड 40 फीट हाई क्यू, वो कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 20 फीट कंटेनर सबसे ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो 20 फीट कंटेनर है, इसमें जो ये जो 20 फीट होती है, ये इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ इसकी 20 फीट होती है, इसलिए इसको 20 फीट कहा जाता है, ठीक है। अब ये 20 फीट कंटेनर आपका हो गया। अब इसमें जो हाइट होती है, वो कितनी होती है, 2385 mm, और यही हाइट 40 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर की भी होती है, 2385 mm, ओके। लेकिन 40 फीट कंटेनर में जो लेंथ होती है कंटेनर की, वो होती है 40 फीट, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा अगर बात करें 40 फीट हाई क्यू कंटेनर की, तो 40 फीट जो हाई क्यू कंटेनर होगा आपका, ठीक है, ये इसकी जो हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये हाई क्यू कंटेनर, तो ये जो हाइट है 2697 हो गई। यहाँ पे कितनी थी, 23985, और यहाँ पे हो गई है 2697, ठीक है। अब यहाँ पे 40 फीट हाई क्यू कंटेनर की जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी, 40 फीट ये इसकी सेम होगी। तो यहाँ पे देखने की चीज है कि 40 फीट या 20 फीट कंटेनर, इसके टू टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है और हाई क्यू होता है। स्टैंडर्ड में सिर्फ जो हाइट होती है वो आपकी 2385 होती है, जबकि हाई क्यू कंटेनर होता है उसमें हाइट हो जाती है 2697। इसी प्रकार से अगर 20 फीट कंटेनर की हम लेंथ की बात करें, तो 20 फीट कंटेनर में लेंथ 20 फीट होती है और 40 फीट कंटेनर में लेंथ 40 फीट होती है, ठीक है। तो ये है कंटेनर की स्पेसिफिकेशन। अब हम कंटेनर्स की कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कि इनकी कंटेनर की साइज किस टाइप की होती है। तो देखने में कंटेनर इस टाइप के होते हैं, साइज वाइज देखें तो 20 फीट कंटेनर छोटा होता है सबसे, उसके बाद 10 फीट कंटेनर सबसे छोटा होता है, फिर 20 फीट, फिर 40 फीट, 45 एंड 48 एंड 53। जो मोस्टली कंटेनर जो यूज किए जाते हैं ट्रेडिंग में, वो होते हैं 20 फीट और 40 फीट, ठीक है। इसके अलावा ये भी कंटेनर होते हैं जो कि इंडिया में बहुत कम यूज किए जाते हैं। इन कंटेनर का यूज होता है मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीन्स को इनमें इसमें स्टफ करते हैं, लोड करते हैं, सो देट कि वो वहां से प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे कंटेनर के अंदर और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंटेनर की डायमेंशंस की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे कई सारे टाइप के कंटेनर्स होते हैं, फ्रीजर कंटेनर होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल कंटेनर होते हैं। तो फ्रीजर कंटेनर्स में क्या होता है कि कुछ खाने की चीजें होती है, जैसे आप देख सकते हैं फूड टाइप के आइटम होते हैं, ठीक है। तो इन आइटम्स को क्या होता है, ये सेम ही होते हैं साइज डायमेंशन कंटेनर्स की, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं, जैसे 20 फीट, 40 फीट और ये कंटेनर्स मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। 20 फीट कंटेनर की अगर बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है वो 20 फीट में कुछ कम होती है, 19.10 होती है, और विड्थ होती है वो है 8, और जो हाइट होगी 8.6, ठीक है।
इसके अलावा लेंथ इंटरनल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, ये तो एक्सटर्नल लेंथ है ठीक है, इंटरनल थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि जो कंटेनर्स की वॉल होती है उसकी वजह से ये थोड़ी कम हो जाती है ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये अंदर की इंटरनल हाइट विथ और लेंथ है ठीक है। सेम अगर बात करें 40 फीट कंटेनर की, तो यहाँ पे 40 फीट कंटेनर है आपका जिसकी एक्सटीरियर जो होती है वो होती है लेंथ 40, एक्सटर्नल मतलब बाहर साइड से जो दिखती है वो कितनी 40 फीट इसकी लंबाई होती है ठीक है। अगर अंदर की बात करें तो ये थोड़ी कम हो जाती है दीवार के कारण, तो ये 39.6 हो जाती है। इसके अलावा विड्थ 8 होगी, हाइट 8.6 होगी ठीक है, और इंटरनल विड्थ आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हाइट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, ये अंदर की हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। इस प्रकार से साथ साथ इन्होंने डोर्स ओपनिंग और इसका भी हाइट और विड्थ बता दिया है कि इनके डोर्स इतने होते हैं ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हाई क्यू कंटेनर्स की, 40 फीट हाई क्यू कंटेनर की, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 40 फीट होगी, विड्थ 8 होगी। इसके अलावा अगर बात करें हम, हाइट 9.6 होगी और इसके अलावा इंटरनल जो हाइट होगी वो 39.6 होगी और इंटरनल विड्थ 7.8 और हाइट 8.10, ये थोड़ी सी कम हो जाती है इंटरनल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कंटेनर की स्पेसिफिकेशन होती है वो किस प्रकार की होती है। अगर हम बात करें कंटेनर की वेट और कैपेसिटी की, तो वो भी हम देख लेते हैं ठीक है। तो कंटेनर कैपेसिटी जो है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 फीट कंटेनर्स की जो टीयर वेट होता है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है 5000 kg ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम ग्रॉस वेट इन्होंने बताया 53,000 ठीक है, और 40 फीट की अगर बात करें तो क्यूबिक कैपेसिटी होती है 2350 फीट में होगी है और 1 kg में होगी, 8150 टीयर वेट होगा इसका एम्प्टी कंटेनर का, और मैक्सिमम ग्रॉस वेट इसमें इतना हम लोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो फ्रीजर कंटेनर्स होते हैं उनकी भी स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी है, 20 फीट फ्रीजर कंटेनर जिसमें फूड टाइप के आइटम लोड किए जाएंगे उसकी क्यूबिक कैपेसिटी होगी 1000 होगी, टीयर वेट होगा 6450 होगा और मैक्सिमम ग्रॉस वेट होगा 52850 होगा। तो इस प्रकार से ये कंटेनर्स की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। और हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीजें हम देखते हैं। ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्क्रीन पे तो कंटेनर्स नंबर की क्या इम्पोर्टेंस होता है, कंटेनर नंबर्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है वो हम देख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो 45G1 है आपको दिख रहा होगा ठीक है, तो ये जो 45G1 है इसका क्या मतलब होता है वो हम देखते हैं ठीक। तो ये जो 45G1 में जो 4 लिखा है इसका मतलब क्या है, लेंथ है, ये कंटेनर की लेंथ कितना कितना लंबा कंटेनर है। तो ये अगर 4 है इसका मतलब क्या है, ये 40 फीट है ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है 4 की जगह तो ये है 20 फीट, और इसकी जगह अगर L है तो ये होगा आपका 45 फीट और M होगा तो 48 फीट ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इस 5 की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये जो 5 लिखा है इस 5 की अगर बात करते हैं, तो 5 की जगह अगर यहाँ पे लिखा होगा 5, तो इसका मतलब ये कि कंटेनर की जो हाइट है वो कितनी है, 9.6 इंच है ठीक है। और यहाँ पे 2 लिखा होगा तो इसकी हाइट कितनी होगी, 8 feet 6 inches ओके ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे जो जीवन लिखा है, जीवन का क्या मतलब होता है, जीवन एक टाइप होता है कंटेनर्स का ठीक है। जीवन का यहाँ पे मतलब है कि पर्पस ऑफ कंटेनर, किस टाइप का कंटेनर है ये ठीक है, कार्गो का है या अदर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कार लिखा है तो ये फ्रीजर कंटेनर होगा जिसमें वो टाइप की चीजें होती है जो इसे ठंडा रखने के लिए किया जाता है, ठंडा किया जाता है इसके लिखने के लिए फ्रीजर कंटेनर यूज होता है। अगर U1 है तो इसका जो टॉप होगा वो ओपन होगा, खुला होगा ऊपर से, वो जिसमें जैसे कुछ अदर चीजें होती है जो कि जिससे मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कोयला हो गया और कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि ओपन कंटेनर में भी लोड करते हैं।
टी वन का है कंटेनर यूज फॉर द प्लेटफॉर्म कंटेनर एंड टी का मतलब है टैंक पेट्रोलियम कंटेनर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो वर्डिंग होती है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस सेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कंटेनर का कंटेनर नंबर होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो कंटेनर नंबर का भी हम देख लेते हैं कि कंटेनर नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंटेनर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंटेनर नंबर है। ठीक है, इसमें जो पहले लिखे है ये 3 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या होता है, ओनर कोड होता है, शिपिंग कॉर्पोरेशन का ओनर कोड, किस शिपिंग लाइन का ये कंटेनर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक यू भी लिखा है, वन वर्ड में यू, जो कि ये यहाँ पे लिखा ही है। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ग्रुप कोड। ओके, ये प्रोडक्ट ग्रुप कोड है। तो यहाँ इससे कंटेनर की आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये किस टाइप का कंटेनर है, कार्गो कंटेनर है या अलग टाइप का कंटेनर है। इसके अलावा जो 6 डिजिट आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये 6 डिजिट इसका मतलब होता है, इसका जो मतलब होगा वो आपका होगा 6 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ये। इसके अलावा लास्ट में जो 5 आपको अलग से दिख रहा है ये आपका चेक डिजिट है। इसके अलावा लास्ट में जो ये दिख रहा है एली साइज, जो हमने पहले पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वो आपका साइज ऑफ कंटेनर है एंड टाइप ऑफ कोड। ओके, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नीचे लिखी है वो देख लेते हैं। ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कंटेनर्स की वो देख लेते हैं। तो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक में जो मैक्सिमम वेट होता है कैपेसिटी कंटेनर्स की वो होगी 3-4 इस कंटेनर की, मतलब 34,000 kg, मतलब कि इसमें इससे ज्यादा लोड नहीं कर सकते, ये यहाँ पे लिखा रहता है कंटेनर की मैक्सिमम ग्रोस। ठीक है, तो ये क्या है मैक्सिमम ग्रोस, मतलब कि इससे ज्यादा इस कंटेनर में आप लोड नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे टीयर वेट मेंशन किया गया है, TARE टीयर वेट। तो टीयर वेट का क्या होगा, ये है आपका खाली कंटेनर का वेट। ठीक है, एम्प्टी कंटेनर का वेट है ये 4860। इसके अलावा पेलोड वेट भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है 29140, और क्यूबिक वेट भी यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार हमने सेशन में जाना कि जो कंटेनर नंबर्स होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके अलावा कंटेनर्स की साइज क्या होती है। ठीक है, ये हमने सेशन में समझने की कोशिश की। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो कंटेनर की लेंथ हाइट और टाइप्स का भी हमने समझा। ठीक है, कंटेनर्स के यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कि जो कंटेनर्स होते हैं उनकी कंटेनर डायमेंशन क्या होती है और कंटेनर वेट एंड कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सो गाइस आज के सेशन में हम इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।